दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ टॉप 5 नॉन चाइनीज फोन्स जो अंडर 30,000 के हैं वो आप अभी यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बायकॉट चाइना प्रोडक्ट्स हम लोग इंडियन कर रहे हैं, तो इसलिए मैं नॉन चाइनीज फोन लेके आया हूँ अंडर 30,000। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ पे अपने पहले फोन की तरफ जो कि सैमसंग की तरफ से है, सैमसंग गैलेक्सी A51 जिसका प्राइस 25,000 है और इसमें जो कि इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले के साथ आता है और इसका डिस्प्ले का रेशियो है, डिस्प्ले का साइज 6.4 इंच है और इसमें बताया जा रहा है कि इसमें प्रोसेसर एक्सोनोस 9611 के प्रोसेसर के साथ ये फोन आएगा। और साथ ही साथ अगर इसके कैमरे की बात करें तो इसमें 48+12+5+5 का बैक कैमरा होगा, क्वाड कैमरा के साथ आएगा ये फोन। और अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो इसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा होगा जिसके साथ आप फोटो क्लिक करके सुपरमैन भी बन सकते हैं। और देख लीजिए मैं सुपरमैन यहाँ पे बन गया, यो सुपरमैन सुपरमैन। बहुत बढ़िया फोन है ये और मैं इसे आप सभी को जरूर रिकमेंड करूंगा अगर आप 25,000 के रेंज में अगर कोई फोन लेना चाहते हैं। तो चलते हैं अपने दूसरे फोन की तरफ जो कि आ रहा है असूस की तरफ से, जिसमें हमें पता चला है कि इसमें एक फ्लिप कैमरा होगा जो फोन बहुत बेहतरीन लगेगा देखने में। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं इसका डिटेल मैंने कुछ दिया हुआ है स्क्रीन पे। और साथ ही साथ इसका कैमरे की बात करें तो इसमें 48+13 मेगापिक्सल का कैमरा होगा जो कि ऐसे सामने फ्लिप होके हमारे सेल्फी कैमरा बन जाएगा। और साथ ही साथ जैसे मैं बताता हूँ कि जो जियो का ग्लास है उसे पहन के आप सुपरमैन भी लगेंगे। अच्छा ठीक है, आगे बताते हैं वीडियो में कि इसका और फीचर क्या है। इसमें कि 5000 mAh का बैटरी हो सकता है और साथ ही साथ 18 वाट का फ्लैश चार्जर होगा जो कि तुम आपके फोन को बहुत बहुत फास्ट चार्ज कर देगा और आपका फोन सुपरमैन बन जाएगा। अब अगर प्रोसेसर की बात करें तो इसमें लगा हुआ होगा स्नैपड्रैगन 855+ प्रोसेसर और इसका प्राइस 28,000 है जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा रखा गया है, लेकिन फिर भी ये फोन बहुत अच्छा है। और ये एक फ्लिप फोन के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं इसको, ASUS 6Z। तो चलिए अपने अगले फोन की तरफ। अब मैं आपको बताता हूँ iPhone 7 के बारे में जिसका प्राइस 27,000 है, 4.7 इंच का डिस्प्ले के साथ आता है और इसमें प्रोसेसर एप्पल का A10 फ्यूजन 64 बिट प्रोसेसर लगा हुआ है। और साथ ही साथ आईफोन का फोन तो बेस्ट होता ही है। अब साथ ही साथ अगर इसके बैटरी के बारे में बात करें 1960 mAh का लगा हुआ है जो कि बहुत कम है, एप्पल को बैटरी में कुछ इंक्रीज करना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें जो कैमरा लगा हुआ है वो 12 मेगापिक्सल का बैक कैमरा और 7 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा के साथ आता है, तो ये फोन भी मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। तो दोस्तों आते हैं अपने आखिरी फोन की तरफ जो कि गूगल की तरफ से है, Google Pixel 3a जो उसका नाम है और इसका प्राइस 31,000 रखा गया है जो कि मेरे हिसाब से तो थोड़ा ज्यादा है, लेकिन फिर भी अब तो गूगल ने प्राइस रख दिया। तो अब मैं बताता हूँ इसका फीचर के बारे में, जिसमें लगा है 4 GB की रैम, 64 GB का इंटरनल और साथ ही साथ ये 3000 mAh का बैटरी के साथ आता है और इसका डिस्प्ले Full HD+ है जो कि बहुत अच्छा बात है। लेकिन इस प्राइस रेंज में अगर हमें Full HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता तो वो बहुत ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन फिर भी ये सही है। अब अगर प्रोसेसर की बात करें तो इसमें लगा हुआ है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 770 का प्रोसेसर जो कि अभी के हिसाब से थोड़ा पुराना हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो ये बहुत अच्छा प्रोसेसर है। इसमें गेमिंग तो बहुत हार्ड किया जा सकता है, एकदम बहुत हार्ड खेला जाएगा। और अब मैं इसके बारे में बताता हूँ इसका चार्जर के बारे में, जिसमें हमें बॉक्स में मिलता है 18 वाट का चार्जर जो कि बैटरी को बहुत जल्दी चार्ज कर देगा। अब आखिरी में आता है कैमरा, जिसमें लगा हुआ है 12 मेगापिक्सल का कैमरा जो कि गूगल की तरफ से आता है और वो कैमरा बहुत ही बेहतरीन होता है सब फोन के कंपैरिजन में। और फ्रंट कैमरा लगा हुआ है 8 मेगापिक्सल का, वो भी बहुत अच्छा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए कीप सेफ एंड स्टे एट होम, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज।